एक ऐसे माहौल में यह चुनाव हो रहा है जब देश के अंदर संवैधानिक शक्तियों का लगातार ह्रास हो रहा है, तमाम संस्थाओं को कुचला जा रहा है, और जब केरल में विकराल रूप ले चुकी है बाढ़ और नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े इलाके डूब चुके हैं, मैं उन तमाम पीड़ित परिवारों के दुख दर्द में अपनी संवेदना अपनी पार्टी की ओर से भी, संगठन की ओर से और खुद की ओर से व्यक्त करना चाहता हूँ। यह कैसी संवेदनहीनता है जब ऐसी बाढ़ में भी प्रधानमंत्री समेत इस देश की सरकार लगातार अपनी संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रही है, तब जबकि बाहर के मुल्क से राहत सामग्री के लिए पैसे भेजे जाते हैं तो उसे ठुकरा दिया जाता है, लेकिन वहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ भेजती है। यह कैसी बेशर्म सरकार है, जबकि पथलगढ़ी आंदोलन चलता है तो उसको कुचला जाता है, जब वहां पर लगातार आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए वहां के एक्ट में छेड़छाड़ की जाती है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने पुरखों, अपने लड़ाकाओं फूले पेरियार, अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा, तिलका मांझी, इन तमाम महापुरुषों लोहिया, जयप्रकाश करपुरी, बाबू जगदेव को नमन करता हूँ, सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, जिनके संघर्षों की बदौलत आज मैं आपके बीच खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। साथियों, बिहार लेनिन बाबू जगदेव ने कहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज आपकी तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे के रूप में मैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आया हूँ। साथियों, SC ST एक्ट के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है उसमें 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया था, ये किसी पार्टी का आह्वान नहीं था, लेकिन पूरे देश के अंदर जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द की पक्षधर पार्टियां थी इसको सफल बनाने के लिए एकजुट थी, और बिहार से यह देश का एक नायाब उदाहरण है कि बिहार में इस देश के सबसे यंगेस्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपने सभी 80 विधायकों के साथ सड़क पर उतर कर उसको सफल बनाने का काम किया। साथियों, आज एक ऐसी सरकार है जो मेहुल चौकसी, जो नीरव मोदी, जो ललित मोदी और तमाम ऐसे आतताइयों जो इस देश के तमाम तरह के रेवेन्यू को खत्म करने का काम करते हैं उसको भगाती है। आज पंजाब नेशनल बैंक खोखला हो चुका है और चीख चीख कर कह रहा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लौटा दो। साथियों, इतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जिसने पूछ की रात देखी ही नहीं, जी ही नहीं, वो हल्कों का दर्द भला क्या जाने। आज इस कैंपस में छात्र राजद इसलिए खड़ा है कि उसको मालूम है कि लेफ्ट राइट की बाइनरी के बीच जिस तरह से राइट विंग की बेशर्मी और लेफ्ट विंग की हिपोक्रेसी इस कैंपस को बर्बाद करने में सबसे आगे रही है, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, और एक विकल्प के रूप में हम यहाँ पर खड़े हैं। जब पूरे कैंपस में अंधेरा छाया हुआ था, जब नजीब को दिन दहाड़े गायब कर दिया गया, तो उसमें ABVP के गुंडे जितने शरीके जुर्म थे, उतने ही लेफ्ट के उस वक्त के प्रेसिडेंट जो मेरे साथी भी हैं, उन्होंने साइन किया उस पर। जो नजीब का रूमेट था वो SL का काउंसलर था, उसका कन्वेनर भी, और उसने बोला कि इसकी मानसिक हालत स्थिर नहीं है, इसलिए इसका हॉस्टल ट्रांसफर किया जाए। ये लोग फांसीवाद के खिलाफ मरेंगे, ये सामाजिक फांसीवाद फैलाने वाले लोग हैं। साथियों, इनकी सारी प्रगतिशीलता काफूर हो जाती है जब आरक्षण की बात आती है। पूरी दुनिया के अंदर आरक्षण से बढ़कर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई जिसने इतने कम समय में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजलूमों, उपेक्षितों, शोषितों, लांछितों, लुंठितों के जिंदगी में इतनी काबिले जिक्र तब्दीली लाई हो, इतना असर किया हो। अरे भाई, हम वो लोग नहीं है जो हजारों साल से जिसके सिर्फ पेट पर लात मारी जाती रही है, हम वो लोग हैं जिनके दिमाग पर भी लात मारी गई, कान में शीशे पिघला दिए जाते थे, और आज जब हमारी पीढ़ी विश्वविद्यालयों की 4 दीवारी में दाखिल हुई है तो यह सरकार UGC गजट नोटिफिकेशन के जरिए 83% मैसिव सीट करती है, जहां 970 सीटों पर दाखिले हुए थे 2016 में, वहीं पर मात्र 102 पर यह संख्या लुढ़क गई 2017 में। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं यह नहीं कहता, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जब ऑक्युपाई यूजीसी मूवमेंट में हम लोग शरीक थे तो हमारी महिला साथियों पर डंडे बरसाती थी स्मृति ईरानी की फौज जो थी खड़ी वहां पर। साथियों, आज आप जब मूल्यांकन करेंगे तो महिला आरक्षण के विधेयक पर जो 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी देवगौड़ा जी की, वो सबसे पहले उस बिल को लाया और वो लागू होते होते रह गया। उसके बाद उसमें जब लोगों ने मांग की
शरद यादव ने, लालू प्रसाद जैसे लोगों ने, तो उसमें क्या कहा गया, कोटे के अंदर कोटा हो, महिलाएं सारी शोषित, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे शोषित कौन? हम चाहते हैं कि स्मृति ईरानी भी संसद पहुंचे, सुषमा स्वराज भी संसद पहुंचे, लेकिन हमारी यह भी ख्वाहिश है कि पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी की आवाज भी पहुंचे और सिक्की सत्ता को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाली मुखालफत की जबरदस्त अपोच पुरवार उससे अनोखी आवाज जो कभी नहीं हुई, फूलन देवी भी वहां पर चिगारे, फूलन देवी भी वहां पर सुंदर करें। ये लोग एक तरफ जहां कोटे के अंदर कोटे की लड़ाई का, संसद के अंदर भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ती थी पूरे जोशो खरोश के साथ उसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो वहीं पर बाहर में बाइट दे रही थी वृंदा कराज साहब साहिब आके, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुभाषी नेली आई कोर्ट, सुभाषी नेली जो एमपी थी, उन्होंने कहा कि जब मंडल पर पूरे सदन के अंदर बहस हो रही थी तो शरद भाई ने एक बात कही कि अभी 15 मिनट का भाषण होगा इन लोगों का, ये कहेंगे कि सारे अधिकार दे दो वंचितों को शोषितों को, लेकिन वो एक शब्द आएगा लेकिन, ये जो इफ दो बट हाउएवर किंतु परंतु लेकिन हालांकि यद्यपि वाले लोग हैं, इस हिपोक्रेट को बेनकाब करने की जरूरत है। साथियों सिर्फ सीट तक नहीं हुआ है, जो मास्टर्स कर रहे हैं हमारे साथी हैं वो पीएचडी करने कहां जाएंगे, बहुत सोच समझ के अपने गार्जियन से लड़के मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र को नहीं चुन के हमने एकेडमिक्स को चुना था, क्या इसलिए कि हमने के बाद हमको एमफिल के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाना पड़े? आज संपूर्ण भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का कंप्लीट गलगोटियाइजेशन, अवेटियाइजेशन, लवलियाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन और शोकाइजेशन करके नरेंद्र मोदी ने रख दिया है, हमको इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। साथियों ये लोग आजकल 13 पॉइंट का रोस्टर लाए हैं, मतलब पीएचडी करने के बाद आप कहीं पर फोटो स्टेट की दुकान खोल लें, आप प्रोफेसर नहीं बनने पाए। जो पहले बहुत लड़के 200 पॉइंट का रोस्टर हम लोगों ने लाया था उसमें सारे वर्ग के लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर की साजिश को आप जानते हैं, उसमें एक साथ पहले यूनिवर्सिटी और क्लबिंग ऑफ कॉलेजेस के तहत यूनिट बनाया जाता था, आज सेंटर और डिपार्टमेंट को यूनिट बनाया गया है जिसमें एक साथ 4 पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होंगी तो कोई ओबीसी पसमानदा आदमी नहीं आ पाएगा, 7 सीटें विज्ञापित नहीं होगी कोई दलित नहीं आ पाएगा, और 14 सीटें एडवर्टाइज नहीं होगी तो कोई आदिवासी नहीं आ पाएगा। इनके तो इमेजिनेशन में आदिवासी है ही नहीं, इसलिए 13 पॉइंट पर इन्होंने रोक दिया। ये इतने बेशर्म लोग हैं। साथियों ये डिजिटल इंडिया, वह है डिजिटल इंडिया जहां डेटा सस्ता हो रहा है और आटा महंगा हो रहा है, हमको आटा चाहिए आटा। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए मोदी जी, हमको स्मार्ट गांव चाहिए गांव। यहां पर 50% से ज्यादा हमारे साथी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जेएनयू जैसी वन ऑफ द मोस्ट पेम्पर्ड यूनिवर्सिटीज नहीं होती तो वो दिल्ली में नॉर्थ गेट के बाहर सरवाइव नहीं कर पाते, अपने सपनों में वो रंग नहीं भर सकते थे। हमने खेतों में पानी पटाकर यहां तक जेएनयू का सफर तय किया है, आप हमको हमारी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, हमारे पुरखों के साथ जो जाती हुई वो हम नहीं सहेंगे। हमारा मोटो ही है छात्र राजद का डीएसएस, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, और इसके खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो जहर था, जो विषैला दांत था आडवाणी का, उसको उनको समस्तीपुर में पूरी इज्जत के साथ गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर से मकान जोड़ भेजने का काम लालू प्रसाद ने किया। वहीं पर जब बाबरी को ढाने जा रहे थे ये लोग, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर इस देश के माइनॉरिटी का सिटीजनशिप में दरक रहे भरोसे को रिस्टोर करने का काम किया। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है सेकुलरिज्म। और मैं यह भी दोहराऊं आपके सामने कि धर्म निरपेक्षता की माने यह नहीं है कि हम मंदिरों को तोड़ दें, हम मस्जिदों को जला दें, हम गिरजों को गिरा दें, हम गुरुद्वारों को उठा दें। धर्म निरपेक्षता का मतलब संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह से साफ है कि भारत के हर नागरिक को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। लेकिन यह कैसा धर्म है जो आपको लगातार मॉब लिंचिंग के लिए बाध्य करता है? अखलाक का क्या गुनाह था? पहलू खान का क्या गुनाह था? इसी कैंपस के संजय कुमार जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स के छात्र थे, हमारे वो उनका मोतिहारी में मॉब लिंचिंग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 की एक कविता लिखी थी। आपको मालूम है किस देश में किस तरह का खेल चल रहा है? हमारे कैंपस में, हमारे इसी कैंपस में जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर जब फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई होती है तो जब ट्रंप का चुनाव आता है तो ये लोग हवन करते हैं, इनको ट्रंप पसंद है।
तो इसलिए ऐसी ताकतों के खिलाफ जबकि यहाँ पर भी हाइक हो रहा है, जहाँ जबकि यहाँ पर हॉस्टल्स प्राप्त से पर्याप्त संख्या में नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको 50% फ्लैट क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया गया है, हम लोग 30 से नॉट मोर देन 15 मार्क्स कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग 100% वाइवा करा दिया। ये कैसे लड़ रहे हैं? कभी भी जेएनयू में जब फाइन होता था तो उसको बैज ऑफ ऑनर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लोग छुपाते थे कि हम फाइन भर दिए। ये लोग बोलते हैं, ये लेफ्ट वाले, हमने 20,000 फाइन भरा। अरे भाई, तुम कैसे लड़ाई लड़ रहे थे घुटने टेकने वालों? इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों से अपील करता हूँ कि गांधी ने अगर कहा था कि करो या मरो, तो लालू प्रसाद ने नारा दिया था पढ़ो या मरो। हमको पढ़ने के हक से आप नहीं रोक सकते। इसलिए जीएसएस को जिस तरह से डिसमेंटल किया गया है, जीएसएस को रिस्टोर कराने का काम छात्राजत करेगा। यहाँ पर तमाम तरह से जिस तरह से फंड कट हो रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी का नाम अम्बेडकर के नाम पर रख दिया, लेकिन बहुजन नायकों के जितनी भी कृतियां हैं वहां पर नहीं मौजूद हैं। जब भी कोई चुनाव आता है तो ये लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। राही मासूम रजा का एक वर्क है, उसमें एक दो संवाद है, बोला कि भाई तू पाकिस्तान चला जा। बोला कहे जाएंगे? अरे भाई, हमारा घर गाजीपुर है, हम गाजीपुर से लखनऊ तो इस जन्म में गए नहीं, तो पाकिस्तान हमको भेजेगा? ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमारा छात्राजत अगर इस चुनाव को जीतता है, और मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन बट ए स्टेट्समैन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हम नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई लड़ने आए हैं ताकि वो भी जेएनयू में पढ़ने आए। इस सीट कट का कुछ नहीं हो सकता, एंड दिस वाइस चांसलर विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट स्किल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। गमला को ये मुनीर का विलेज तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके पास कोई विजन नहीं है। और नेहरू ने कहा था यूनिवर्सिटी शुड बी द प्लेस फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज। उसी एडवेंचर ऑफ आइडियाज की हमारे स्पिरिट को ये चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हिलने वाले नहीं है। अरे और एबीवीपी के लोगों, आप तो ये गाना बजवा रहे हो कि डीजे वाले बाबू जो मोदी जी से कब कहोगे? अरे झोला वाला मोदी जी, जरा स्पीकर होंगे तो कोई हद भी आके कहा तक किसी पर सितम भाइएगा।